हाय एवरीवन, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के डेली वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैंने डेली चार्ट लगा रखा है और आप यहां पर देख रहे हैं कि डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी इंडेक्स ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम पिछले 4 दिनों में किया है। ये पिछले 4 दिन का चार्ट आप यहाँ पर देख लीजिए। इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी इंडेक्स ने सपोर्ट लिया और इसके बाद दोस्तों बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ निकला है। यहाँ पर ये प्राइस सेक्शन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्राइस सेक्शन बना है और ऊपर की तरफ दोस्तों जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से बार बार सेलिंग आ रही थी, उस लेवल को भी दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स ने पार कर लिया है। इस लेवल के ऊपर क्लोज किया है जो कि दोस्तों 44,500 के आसपास का लेवल था। इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हैमर कैंडल हमें देखने को मिल रही है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी इंडेक्स ने क्लोज किया है। तो दोस्तों हैमर कैंडल यहाँ पर बन रही है, लेकिन हैमर कैंडल जब भी चार्ट के टॉप पर बनती है तो वहाँ पर दोस्तों रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, जब चार्ट के बॉटम पर बनती है तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हैमर कैंडल जरूर बन रही है, इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी क्वांटिटी को कम रखना है। जितनी क्वांटिटी हम ट्रेड करते हैं उससे हमें हाफ क्वांटिटी या 1/3 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना है। अगर हम इस हैमर कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड करें तो हमें दोस्तों अपनी क्वांटिटी को कम रखना है, क्योंकि ये जो हैमर कैंडल बन रही है ये चार्ट के टॉप पर बन रही है, इसलिए दोस्तों हमें अपनी क्वांटिटी को कम करना है। फिर भी दोस्तों हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट कल इस लेवल के आसपास आ सकता है, क्योंकि दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स ने अगर इस लेवल का ब्रेकआउट किया है तो इस लेवल को रिटेस्ट जरूर करेगा। यहाँ पर जो फाइनल क्लोजिंग आई है 44,747 के आसपास, तो यहाँ से दोस्तों मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकता है, इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो दोस्तों आपको ध्यान से ट्रेड को प्लान करना है। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से दोस्तों हमें अच्छा ट्रेड अपसाइड में देखने को मिल सकता है, यहाँ से हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड भी फेवरेबल होने वाला है। तो अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल को रिटेस्ट करता है जो कि दोस्तों 44,479 के आसपास का लेवल है, इसको अगर रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी इंडेक्स का अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये कंसोलिडेशन फेज है बैंक निफ्टी इंडेक्स का, और इसका अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर हमें अपसाइड में बहुत ही अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों से बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर काफ़ी दिन कंसोलिडेट होने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हमें सस्टेन होता हुआ दिख सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। लेकिन दोस्तों फिर भी हमें रिटेस्ट करने का वेट करना है। अगर कोई बड़ा गैप अप लगता है तो वहाँ पर दोस्तों हमें प्राइस सेक्शन को फॉलो करना है, और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमें दोस्तों रिटेस्ट करने का वेट करना है। तो डेली चार्ट पर दोस्तों इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। अब हम दोस्तों चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें ट्रेड को किस प्रकार प्लान करना है। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स ने लास्ट आवर में काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखाया है। तो कल अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ओपन हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, और रेंज में ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ से अगर डाउन साइड में आता है तो यहाँ पर दोस्तों हम इस लेवल के आसपास तक पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है, लेकिन हमें इस लेवल के आसपास आता हुआ बैंक निफ्टी इंडेक्स दिख सकता है। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हमें दोस्तों ट्रेड को प्लान नहीं करना है पुट के लिए, फिर हमें दोस्तों रिटेस्ट करने का वेट करना है। इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से दोस्तों हम कॉल साइड के लिए पोजिशन बना सकते हैं, यहाँ पर हम इस लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं, यानी जो ये प्रीवियस क्लोजिंग है इसके थोड़ा सा नीचे का हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं और यहाँ से हम अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। अपसाइड में दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 44,720 के आसपास का लेवल, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसके ऊपर निकलता है तो अगला टारगेट दोस्तों हम प्लान कर सकते हैं 44,800 के आसपास का लेवल, और इसके ऊपर निकलेगा तो अगला टारगेट दोस्तों हम प्लान कर सकते हैं 45,000 के आसपास का लेवल। अपसाइड में दोस्तों ये तीन लेवल आपको ध्यान में रखना है। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हमें अपसाइड के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा, और यहाँ से हमें अपसाइड में बहुत ही अच्छे टारगेट भी इंट्राडे में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम अपसाइड के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में दोस्तों हमें इस लेवल के नीचे ट्रेड को प्लान करना है। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स इस लेवल के नीचे आ जाता है तो यहाँ पर दोस्तों हम पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। इस लेवल के नीचे जैसे ही आएगा तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का कुछ प्राइस एक्शन बनता है, तो इस लेवल के आसपास हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, पुट साइड में पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं 44,000 के लेवल के आसपास, और इसके नीचे आता है तो अगला टारगेट दोस्तों हम प्लान कर सकते हैं 43,800 के
आसपास के लेवल पर, और इसके नीचे आता है तो यहाँ पर दोस्तों अगला टारगेट हम प्लान कर सकते हैं 43,600 के आसपास के लेवल पर। तो ये डाउन साइड में तीन लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन लेवल्स को आप इंट्राडे में ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि दोस्तों जिस प्रकार का ब्रेकआउट हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर डाउन साइड में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लग रही है। फिर भी दोस्तों मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकलता है तो यहाँ पर अगर इस प्रकार का कुछ बेरिज प्राइस एक्शन दिखता है तो वहाँ पर हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं पुट साइड के लिए। और पुट साइड में दोस्तों इन तीन टारगेट को हम इंट्राडे में ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और कंडीशन पुट के लिए यहाँ पर हो सकती है, अगर बैंक निफ्टी नेक्स्ट इस लेवल के आसपास आता है और यहाँ पर अगर पोज लेता है, कोई भी रेंज बनाता है, तो यहाँ से भी दोस्तों हम पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर हम पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। इस लेवल के नीचे जैसे ही आएगा तो यहाँ पर हम पुट साइड के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और इस कंडीशन में दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 44,200 का लेवल, और इसके नीचे आता है तो अगला टारगेट हम 44,000 के आसपास प्लान कर सकते हैं, और इसके नीचे आता है तो अगला टारगेट हम 43,800 के आसपास तक प्लान कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम डाउन साइड के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप इंट्राडे में ध्यान में रख सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा गैप डाउन लगता है, जैसे कि दोस्तों मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन होता है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस प्रकार का प्राइस सेक्शन बनने का वेट करना है, और जैसे ही इस प्रकार का प्राइस सेक्शन बनता है तो यहाँ पर दोस्तों हम इस लेवल के आसपास पुट साइड के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा गैप अप लगता है तो वहाँ पर भी दोस्तों हम प्राइस सेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। इस प्रकार का प्राइस सेक्शन बनता है तो वहाँ पर भी दोस्तों हम कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं, इस लेवल के आसपास हम कॉल साइड में एंट्री कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम बैंक निफ्टी इंडेक्स को कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। अब हम दोस्तों चलते हैं निफ्टी इंडेक्स के चार्ट पर और देखते हैं कि निफ्टी इंडेक्स को हम कल के ट्रेडिंग सेशन में किस प्रकार ट्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम डेली चार्ट पर निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं कि निफ्टी इंडेक्स ने डेली चार्ट पर किस प्रकार का प्राइस सेक्शन बनाया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी इंडेक्स ने इस लेवल से एक करेक्शन दिया है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप डेली चार्ट पर निफ्टी इंडेक्स को देखेंगे तो इस लेवल के आसपास से बहुत ही अच्छा प्राइस सेक्शन बनाते हुए निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पर दोस्तों इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर दोस्तों डाउन साइड में इस लेवल के आसपास वापस लो लगाया जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल था, और यहाँ से दोस्तों हमें बहुत ही अच्छा मूव अपसाइड में देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले चार दिनों में हमें बुलिश कैंडल देखने को मिली है, बैक टू बैक यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स भी बहुत ही अच्छे लेवल पर है और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा प्राइस सेक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ गया है। और अगर निफ्टी इंडेक्स में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो हमें दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छे टारगेट अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप लास्ट डे की कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिग बार कैंडल देखने को मिल रही है, और बिग बार का अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ पर फिर से अपसाइड में बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों हमें ट्रेड को किस प्रकार प्लान करना है वो हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे। तो चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली इंट्राडे में ट्रेड को किस प्रकार प्लान करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में अपसाइड में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप निफ्टी इंडेक्स के चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हो रहा है और उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर यहाँ पर बेस बना रहा है और उसके बाद अपसाइड में ऊपर की तरफ निकल रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों थोड़ी देर कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी दोस्तों अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें वहाँ पर दोस्तों थोड़ी देर वेट करना है। अगर कोई भी कंसोलिडेशन फेज होता है तो उसको हमें यहाँ पर अवॉइड करना है, और उसके बाद अगर उसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वहाँ पर हमें एग्जैक्टली ट्रेड को प्लान करना है। तो किस प्रकार दोस्तों हम प्लान करेंगे वो हम यहाँ पर चार्ट पर एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए निफ्टी इंडेक्स इस लेवल के आसपास ओपन होता है तो या तो दोस्तों ये इस लेवल के आसपास आ सकता है, तो ये भी दोस्तों एक अच्छी कंडीशन है अपसाइड के लिए प्लान करने के लिए। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी फेवरेबल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस लेवल के आसपास से कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर इस लेवल के नीचे आता है तो यहाँ से दोस्तों हम पुट साइड के लिए जा सकते हैं और इस लेवल के आसपास के टारगेट हमें इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस प्रकार ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर डाउन साइड में आता है तो इस लेवल के नीचे हम प्लान करेंगे। अगर अपसाइड में निकलता है तो यहाँ पर दोस्तों हम रिटेस्ट पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी इंडेक्स रिटेस्ट नहीं करता, इस प्रकार का कुछ बेस बनाता है, तो यहाँ पर दोस्तों हम अपसाइड के लिए जैसे ही इस रेंज का या कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर दोस्तों हम कॉल साइड के लिए पोजिशन बना सकते हैं। और कॉल साइड में दोस्तों हम इंपॉर्टेंट टारगेट्स की बात करें तो हम फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं 19,250 के आसपास का लेवल। इसके ऊपर निकलेगा तो अगला टारगेट दोस्तों हम प्लान कर सकते हैं 19,300 के आसपास का लेवल, और इसके ऊपर निकल जाता है तो अगला टारगेट दोस्तों हम प्लान कर सकते हैं 19,420 के
आसपास का लेवल। तो अपसाइड में दोस्तों ये तीन टारगेट आपको ध्यान में रखना है, और अगर निफ्टी इंडेक्स इस लेवल के नीचे आता है तो यहाँ पर दोस्तों हम इस प्रकार के प्राइस सेक्शन का वेट करेंगे और यहाँ पर हम पुट साइड के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। पुट साइड में दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,100 का लेवल, और इसके नीचे आता है तो अगला टारगेट दोस्तों हम प्लान कर सकते हैं 19,020 के आसपास का लेवल, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के आसपास निफ्टी इंडेक्स आ सकता है, इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, और यहाँ से हमें एक बाइंग भी देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर कोई भी आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखता है तो यहाँ से हम कॉल साइड के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेवल है, 19,020 के आसपास हम कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर हम इस लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं और यहाँ से हम अप साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं रहता, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो अगला टारगेट दोस्तों हम 18,950 के आसपास तक प्लान कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए ध्यान में रख सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लाइव मार्केट की रिकॉर्डिंग वीडियो भी आजकल मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो उसमें दोस्तों हम इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप पर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर बात करते हैं कि किस प्रकार आपको लाइव मार्केट में ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो उस वीडियो को भी दोस्तों आप देख सकते हैं, उस वीडियो से भी दोस्तों आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प मिलेगी, आपको नया सीखने को मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।